हेलो गाइस, ये है मेरे पास Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन जो कि काफी बेहतरीन स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कैमरा के अराउंड लाइटिंग इफेक्ट वाले फीचर, AI वाले फीचर, काइनेटिक वॉलपेपर वाले फीचर, UI कलर वाले फीचर और वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे, इस वीडियो को हमने पहले क्यों नहीं देखी। तो अगर आप Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा और वीडियो में आगे जाके वैल्यू लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फीचर आपको देखने मिलता है AI डॉक्यूमेंट क्रॉप वाला फीचर। इसके लिए जाना होगा हमें एल्बम में। अब AI का जमाना चल रहा है और AI वाला फीचर भी आपको देखने मिल जाता है। आपने बहुत सारी यहां पे फोटो क्लिक की हुई है, बट कई फोटो ऐसी होती है जो कि डॉक्यूमेंट मोड में आपको क्लिक करना होता है, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र। आपने उसको डॉक्यूमेंट मोड में क्लिक भी नहीं किया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे AI की मदद से उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने काफी सारी फोटो क्लिक की हुई है, लेकिन एक फोटो के नीचे ऑटोमेटिकली यहां पे डॉक्यूमेंट आ रहा है। मतलब AI अपना दिमाग लगा रहा है और ये सोच रहा है कि ये फोटो डॉक्यूमेंट वाली है। मान लीजिए आपने आधार कार्ड का कोई फोटो क्लिक किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली इसने क्रॉप कर दिया है ना। काफी इंटरेस्टिंग फीचर ये। नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलता है काइनेटिक वॉलपेपर वाला फीचर। इसके लिए हमें होम स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, वॉलपेपर पे जाना होगा और उसको स्लाइड करना होगा, और यहाँ पे थ्री डॉट पे ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा काइनेटिक वॉलपेपर वाला फीचर। अब ये फीचर क्या है, ये कोई नॉर्मल वॉलपेपर नहीं है। जैसे कि मैं इस वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं एनिमेट होता हुआ देखने को मिलेगा और इसको अप्लाई करोगे तो देखने कितना अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। देख सकते हैं एनिमेट कर रहा है ना, और काफी इंटरेस्टिंग लगता है। धीरे धीरे ये ओपन होता है, तो ये फीचर आप डेफिनेटली यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है UI कलर वाला फीचर। इसके लिए भी हमें होम स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा और यहाँ पे मिलेगा UI कलर का फीचर। अब यहाँ पे देखते हैं इस ऑप्शन को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे आपको कलर देखने को मिलेंगे, जो भी आपको कलर पसंद है। जैसे कि इस कलर पे मैं क्लिक करता हूँ तो सारी सेटिंग पैनल का देखते हैं कलर कुछ इस टाइप में हो चुका है। जो भी आप कलर करोगे उस टाइप में हो जाएगा। और नीचे की ओर स्क्रॉल करने पे यहाँ पे मिलेगा वॉलपेपर कलर वाला फीचर। अब ये क्या है, जो आपने वॉलपेपर सेट कर रखा है उसके अंदर से कौन सा कलर आपको चूज करना है यहाँ पे चूज करके, और उस प्रकार से यहाँ पे आपका सेटिंग पैनल का कलर आप कर सकते हैं ना। काफी इंटरेस्टिंग। स्क्रॉल करने पे एक और ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है अप्लाई कलर टू आइकन। ये आइकन पे आपके कलर अप्लाई हो जाएंगे। जैसे इस पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखते हैं काफी सारे जो आइकन है ना उसके भी कलर चेंज हो चुके हैं। सभी के तो नहीं, लेकिन काफी सारे आइकन के यहाँ पे कलर चेंज हो चुके हैं, जो कि दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है रिसेंट पैनल स्टाइल का फीचर। जी हाँ, रिसेंट पैनल पे आप जैसे क्लिक करोगे, इसका स्टाइल चेंज करना है तो इस पे क्लिक कर सकते हो, और नॉर्मल करना है तो इस प्रकार से आप क्लिक कर सकते हो। जब भी बोर हो रहे तो उसको चेंज करो यार। और साथ में रिसेंट पैनल वाले बटन पे आप डबल क्लिक करोगे तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच हो सकते हो बिना बैक जाए, है ना। काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट फीचर आपको देखता है कैमरा के अंदर। कैमरा के अंदर जैसे जाओगे तो यहाँ मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, और यहाँ पे मिलेगा मोर सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पे जैसे जाओगे तो यहाँ मिलेगा मोशन ऑटो फोकस का फीचर। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, बाय डिफॉल्ट ऑफ होते हैं, इसको आप ऑन कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है, ऑटो फोकस ट्रैकिंग। रियल टाइम में कोई भी यूजर है या कोई भी पेट है तो उसको ऑटोमेटिकली ये फोकस कर ले। और जो सेकंड ऑप्शन है मैनुअल फोकस ट्रैकिंग का फीचर है। मान लीजिए आपको खुद से यहाँ पे मैनुअली करना है, किसी भी चीज को फोकस करवाना है तो उस पर आप क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली उसको ये फोकस करने लगेगा। तो ये आपको देखने मिल जाता है मैनुअली फोकस वाला फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात करने से पहले एक चीज आपको गाइड कर दूं, जब भी फोन को लोगे तो यहाँ पे फालतू के यहाँ पे फोल्डर आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें आप डिसेबल भी कर सकते हो। इन फोल्डर पे आपको प्रेस एंड होल्ड करना है और यहाँ मिलेगा सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे ऑफ करने का एक ऑप्शन होगा, तो इसे यहाँ पे ऑफ करेंगे तो डायरेक्टली आपके होम स्क्रीन से रिमूव हो जाएगी। तो जब भी फोन को लोगे तो इसको आप कर लेना। अब नेक्स्ट चीज की बात को तो इस फोन के अंदर आपको खुद का डायलर देखने मिल जाता है विदाउट अनाउंसमेंट। इस फोन के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात को तो वो आपको देखने मिलेगा मोबाइल के सेटिंग के अंदर। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पे यहाँ पे मिलेगा सिस्टम का ऑप्शन। सिस्टम के ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन। सभी Vivo के फोन में होता है और इस Vivo के फोन में भी आपको ये फीचर दिया गया है, जहाँ पे बटन को आप हाइड कर सकते हो। जैसे कि इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ बटन हाइड हो जाएंगे और यहाँ से बैक होएगा आपका फोन, और यहाँ से आपका बैक होएगा। होम स्क्रीन पे जाना तो इस प्रकार से जाएगा, जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है। और एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच भी हो सकते हैं इस नेविगेशन बार से, कहीं से आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो कि इजी टू यूज बना देता है आपका सिस्टम नेविगेशन। और चाहे तो इसको सिस्टम नेविगेशन में जाके इस बार को आप हाइड भी कर सकते हो। बस यहाँ पे मिलेगा हाइड बॉटम बार, इसको आपको ऑन करना है और ये भी आपका हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे मिलेगा थ्री बटन का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करोगे तो नॉर्मल मोड में चला जाएगा। और इसके आप बटन को लेफ्ट टू राइट करना चाहते हो बैक बटन को, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि ये बटन बैक वाला इधर हो चुका है, तो इस प्रकार से आपको जो भी करना है कर सकते हो। और यहाँ पे स्टाइल भी आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा आपको स्टाइल चाहिए बटन का, तो जो भी आपको रखना है डेफिनेटली आप रख। नेक्स्ट फीचर भी आपको सेटिंग में देखने को मिल जाता है शॉर्टकट एंड एजबिलिटी के अंदर। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा एस कैप्चर। ये क्या है, थ्री फिंगर से इस फोन में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि बाकी फोनों में आपको देखने को मिल जाता है, तो इस फोन में भी ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आपको देखने मिलता है स्मार्ट स्प्लिट का फीचर। ये फीचर काफी अमेजिंग फीचर है। जैसे कि एंटर स्प्लिट स्क्रीन पे जाता हूं, इसको मैंने ऑन कर दिया। अब ये फीचर क्या, अभी तक आपने देखा था थ्री फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे ऊपर की ओर से स्वाइप करते थे, तो लेकिन इस फीचर के अंदर क्या होगा, आपको नीचे की ओर से स्वाइप करना पड़ेगा, तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में चला जाएगा जो भी एप्लीकेशन सपोर्ट करता होगा। अब
यहाँ पे देखते हैं, एक साथ मैं दो दो एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। बस किसी भी एप्लीकेशन पे आपको नीचे की ओर से स्वाइप करना है और ऑटोमेटिकली वो स्प्लिट स्क्रीन में चला जाएगा। और इस फीचर का आप यूज डायरेक्टली रिसेंट पैनल से भी कर सकते हो विदाउट थ्री फिंगर के। जैसे जो भी एप्लीकेशन सपोर्ट करते होगा ना, इस पे यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन होगा और यहाँ पे मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का फीचर। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी इस फीचर का आप यूज कर सकते हो विदाउट थ्री फिंगर के। और नेक्स्ट फीचर भी आपको शॉर्टकट एंड एजिबिलिटी में देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मिलेगा स्मार्ट मोशन का फीचर। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने मिलेंगे, तीनों को ही आप ऑन कर दो। रेस टू वेक वाला फीचर क्या है मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने स्क्रीन को ऑफ कर दिया, किसी भी बटन पर भी प्रेस नहीं करूंगा, यहाँ से स्वाइप करूंगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन हो चुकी है। तो ये मतलब समझ चुका है कि अपने फोन को आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे बिना टच के यहाँ पे स्क्रीन को आप ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है डबल टैप टू वेकअप वाला फीचर। अब ये क्या है, स्क्रीन ऑफ है, यहाँ पे डबल टैप करूंगा तो वेकअप हो जाएगा, और जो थर्ड फीचर है इस पर डबल टैप करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर आपको जस्ट इसके नीचे देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्मार्ट कॉलिंग का फीचर। ये भी काफी अमेजिंग फीचर आपको देखने मिल जाता है, जिसकी स्मार्ट कॉल का फीचर को आप ऑन कर दोगे तो जब भी कोई कॉल आएगी तो वैसे ही आप कानों के पास लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉल रिसीव हो जाएगी। इस प्रकार से काफी सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे स्मार्ट मोड का फीचर के नीचे। आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी किस प्रकार से इस फीचर को आपको ऑन करना है। कई शॉर्टकट को ऑन करने के लिए आपको अपने फोन को थोड़ा सा फ्लिप करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से शॉर्टकट आपके वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली इसका यूज करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है सेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको आप ऑन कर दोगे तो इस फीचर का बेसिकली क्या काम है, अपने फोन को यहाँ पे थोड़ा सा सेक करना पड़ेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। मैं करके नहीं दिखाऊंगा लेकिन ये फीचर यही काम करता है, नहीं तो मैं करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे मेरा सेटअप पूरा बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो वो आपको देखने मिलता है इजी टच का फीचर। ये फीचर क्या है, इसको आप ऑन कर दोगे ना तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा। इस बटन में क्या होगा देखते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, कैलकुलेटर का ओपन करना चाहते हो, फ्लैश लाइट ओपन करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और इन सारे फीचर का आप यहीं से यूज कर सकते हो डायरेक्टली टैप करके। और चाहे तो इसको यहाँ पे स्क्रीन को आप चेंज भी कर सकते हो, इस प्रकार का आपको स्क्रीन चाहिए इस प्रकार का, मतलब कस्टमाइजेशन तो आपको काफी देखने को मिल जाते हैं। जब भी बोर हो रहे हो तो इसके डिजाइन को आप चेंज कर। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। ये फीचर क्या है, जैसे कि इसको ऑन कर दूंगा, यहाँ पे व्हाट्सएप इंस्टॉल करूंगा तो व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे भी वीडियो कॉल कर सकते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली एप्स यहाँ पे आते जाएगा कि उस पे आप ऑन कर देना। जब भी कोई कॉल करोगे तो आपका फेस यहाँ पे ब्यूटीफाई होके दिखेगा सामने वाले को, तो ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है एजिबिलिटी के अंदर। एजिबिलिटी के अंदर जैसे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा एक्स्ट्रा डिम का फीचर, इसको आप ऑन कर दोगे तो आपकी स्क्रीन थोड़ा एक्स्ट्रा डिम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम नहीं होगी लेकिन उसको डिम कर देगा। और इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो इस साइड से आप क्लिक करके, तो यहाँ पे मिलेगा एक्स्ट्रा डिम शॉर्टकट, यहाँ पे इसको एनेबल कर दोगे ना तो डायरेक्टली आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, यहाँ से ऑन कर सकते हो, यहीं से इसको ऑफ कर सकते हो, है ना काफी इंटरेस्टिंग। और एक कमाल की आपको और बात बताऊं, इसकी इंटेंसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हो, कितना आप डिम रखना चाहते हो। अब नेक्स्ट फीचर भी आपको एजिबिलिटी में देखने को मिल जाता है। एजिबिलिटी में जाओगे तो यहाँ मिलेगा एजिबिलिटी मेन्यू का फीचर, अब इसको ऑन कर दोगे तो एक और बटन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखते हैं बटन ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं काफी सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है, जिसकी ब्राइटनेस को कम करना है, ज्यादा करना है। तो मान लीजिए आप एक हाथ से काम कर रहे हैं और दूसरे हाथ से अपने फोन को चलाना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं, वॉल्यूम अप करना, डाउन करना, तो ये आपको देखने मिलता है एजिबिलिटी मेन्यू का फीचर। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है 4D गेम वाइब्रेशन का फीचर, इसके लिए जाना होगा मोबाइल की सेटिंग के अंदर। और यहाँ पे मिलेगा अल्ट्रा गेम मोड का फीचर, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा 4D गेम वाइब्रेशन, इसको ऑन कर दोगे ना किसी भी गेम पे तो एक अलग सा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा जब भी कोई एनिमी आएगा, तो एक्सपीरियंस आपका नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। और मान लीजिए गेम मोड के अंदर ये मैंने गेम ऐड कर रखी है, इस गेम पे मैं इसको प्ले करता हूँ और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे इस गेम मोड का शॉर्टकट यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे देखते हैं वॉइस चेंजर का सपोर्ट भी आपको देखने मिल जाता है। अब मान लीजिए कोई भी आपकी वॉइस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैं करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, तो तेरे भाई ने लिया वीवो T2 प्रो स्मार्टफोन, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब दिखाता हूँ आपको, भाई कर दो भाई साहब, तो देखते हैं इस प्रकार से वॉइस चेंजर का फीचर भी इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलेगा सेटिंग के अंदर, प्राइवेसी के अंदर। प्राइवेसी के अंदर जैसे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा रिसेंट एप्स प्रीव्यू का ऑप्शन, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे इसको आप ऑन कर देना। मान लीजिए आप किसी भी एप्लीकेशन पे इसे ऑन कर दीजिए, जैसे कि BGMI पे मैं ऑन कर देता हूँ। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि जो BGMI है देखते हैं ब्लर हो चुका है कुछ इस टाइप में, तो रिसेंट पैनल के अंदर जिस भी चीज को आप ब्लर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि अमेजोन पे करोगे तो रिसेंट पैनल अमेजोन में ब्लर हो जाएगा, ब्लर टाइप में वो दिखेगा, तो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात तो वो आपको देखने मिलेगा नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर जाओगे तो यहां मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर, जी हां इसका भी ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है, इसको आप जैसे ही ऑन कर दोगे। अब मान लीजिए आपको बहुत सारे यहां पे नोटिफिकेशन आई हुई है, अब यहां पे सभी को आप क्लियर कर देते हो तो यहां पे क्या होगा, जैसे कि बैक जाता हूं और वापस चेक करता हूं, जो भी नोटिफिकेशन मैंने क्लियर किए थे यहां से भी इसको चेक आउट कर सकता हूं। होते हैं ना काफी सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बाय मिस्टेक आपसे स्वाइप हो जाती है, तो यहां से आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलेगा एप्स के अंदर। एप्स के अंदर जैसे जाओगे तो यहां पे मिलेगा ऐप क्लोन का फीचर। इस फोन के अंदर आप डबल फेसबुक यूज करना चाहते हो या डबल व्हाट्सएप यूज करना, तो डेफिनेटली इस फोन के अंदर आप कर सकते हो, मतलब ड्यूल ऐप का सपोर्ट इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है।
नेक्स्ट फीचर की बात किया है तो वो आपको देखने मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। इसमें आप जाओगे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ मिलेगा साउंड क्वालिटी एंड प्रोफाइल का फीचर, और यहाँ मिलेगा ऑडियो सुपरपोजिशन का फीचर। इसको आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पे जो भी आप कोई भी सॉन्ग प्ले करोगे तो उसकी क्लैरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और काफी अच्छी तरीके से आपको सुनाई देने वाला है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है डायनेमिक इफेक्ट का फीचर। इसमें काफी सारे फीचर आपको देखने मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने मिलता है स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। इसको आप ऑन कर दोगे, जैसे कि ये एनिमेशन लगाया था, अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन को मैं जैसे ही ऑन करूंगा, जैसे ऑन करूंगा तो देखते हैं किस प्रकार का एक एनिमेशन है। तो ये आपको देखना होता है स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, तो किस टाइप में एनिमेशन आना चाहिए, राइट साइड से या ऊपर साइड से, जो भी आपको रखना है यहां पे आप रख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखना होता है यूएसबी एनिमेशन वाला फीचर। जब भी कोई डाटा केबल कनेक्ट करोगे तो किस प्रकार का एनिमेशन आना चाहिए, पानी टाइप में या बिजली टाइप में, जो भी आपको यहां पे लगाना है यहां पे लगाओ यार, बोर हो रहे हो तो। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। जब भी फोन को चार्ज लगाओगे किस प्रकार का एनिमेशन चाहिए, इस प्रकार का, बोर हो रहे हो भाई चेंज करते रहो, बहुत सारे यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको पसंद आ रहा है आप रख सकते हो। और नेक्स्ट फीचर आपको देखना होता है फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन का फीचर। इस टाइप में लॉक स्क्रीन पे आपको एनिमेशन चाहिए, इस टाइप में चाहिए या इस टाइप में चाहिए, जब भी बोर हो रहे हो तो चेंज करते रहो यार। फीचर आपको देखना होता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन वाला फीचर। इसके लिए अपने फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेट करना पड़ेगा, जब भी ये ऑप्शन आपके लिए यूजफुल है। जब भी फिंगरप्रिंट लगा के अपने फोन को अनलॉक करोगे तो यहां पे एनिमेशन आपको किस टाइप में आना चाहिए, इस टाइप में या इस टाइप में, बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। जब भी बोर हो रहे हो एक महीने बाद तो चेंज करो यार। नेक्स्ट यहां पे आपको देखना होता है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन। जब भी टच करने से पहले आइकन एनिमेशन किस टाइप में आपको दिखना चाहिए, वो यहाँ पे आप जो भी सेट करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको देखना होता है होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉकिंग का फीचर। ये फीचर क्या है, जैसे कि ये मैं अप्लाई कर देता हूँ, अभी अप्लाई करने के बाद आपको समझाता हूँ, जब आपको समझ आएगा। अब यहाँ से मैं अपने फोन को अनलॉक करता हूँ, अनलॉक करने के बाद देखना आइकन का एनिमेशन किस टाइप में आएगा, तो देखते हैं बूम किस टाइप में एनिमेशन आ रहा है। तो जो भी आपको रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं डायनेमिक इफेक्ट के अंदर जाके। नेक्स्ट आपको देखने लगता है होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन का फीचर। ये फीचर क्या है, जैसे कि आप मीडियम पे कर दोगे तो किसी भी ऐप को ओपन करोगे तो थोड़ा सा स्लोली ओपन होगा, इस पे करोगे तो काफी फास्ट ओपन होगा। तो जिस प्रकार से आपको बहुत स्लो करना है, कम फास्ट करना है, अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर आपको देखने लगता है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट वाला फीचर। ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल है। इसके अंदर नीचे को स्क्रॉल करोगे यहाँ पे मिलेगा इनकमिंग कॉल का फीचर। इसको आप ऑन कर दीजिए, जब भी कॉल आएगी तो यहाँ पे एज आपकी लाइटिंग ब्लिंक करेगी, दिखने में काफी अच्छा लगता है यार। जो भी आपको रखना है रख सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन पे भी इसको आप अनेबल कर सकते हो, जैसे कि लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे कौन सा चाहिए, यहाँ पे जो भी एनिमेशन लगा सकते हो जब भी कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी। तो फीचर की बात करने से पहले एक चीज आपको याद दिला दूं, अभी तक आपको वीडियो में वैल्यू लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लो। अब नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जैसे ही जाओगे आपको देखने मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज का। जी इस ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखते हैं बोल्ड टेक्स्ट मैंने ऑन कर रखा है, ये आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा। ऑन करने पे आपका जो फॉन्ट है ना थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, दिखने में काफी अच्छा लगता है। जब भी फोन खोलो तो इस मोड का एक बार ट्राई करके आपको देखना, काफी अच्छा लगेगा जो भी आपका कोई फॉन्ट आप यूज कर रहे होगे। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो यहाँ पे स्टेटस बार का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका नेट की स्पीड कितनी आ रही है वो आपको शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या हाइड रखनी। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला फीचर। अब इसकी डिस्प्ले पता है 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आपको 60Hz पे रखना है या 120Hz पे रखना है वो आप रख सकते हैं। वैसे तो मैं स्मार्ट स्विच पे रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे बैटरी थोड़ी कम कंज्यूम होती है। 120Hz पे कर दूंगा तो फोन तो काफी फास्ट चलेगा लेकिन बैटरी थोड़ी ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो स्मार्ट स्विच पे रखिए, जब भी जहां जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली ये यूज करता रहेगा। नेक्स्ट आपको देखने मिलता है विजुअल एनहेंसमेंट वाला फीचर। इसको आप ऑन करोगे तो ये फीचर क्या है, ये बेसिकली यूट्यूब वीडियो जहां पे भी वीडियो स्ट्रीम होती है उसी के अंदर ये वर्क करता है। इसको आप ऑन कर दोगे ना, जब भी कोई वीडियो देख रहे हो तो उसकी जो क्वालिटी इनहेंस होकर आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे दिखा भी रहे ना बिफोर एंड आफ्टर। अब नेक्स्ट फीचर जो है वो आपको होम स्क्रीन पे देखने मिल जाता है। अब इस फोन के अंदर आपको पता है ऐप ड्रॉवर देखने मिल जाता है, लेकिन काफी सारे लोगों को यहाँ पे ऐप ड्रॉवर पसंद नहीं आता, तो उसको डिसेबल भी आप कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड कीजिए होम स्क्रीन पे और होम सेटिंग के अंदर जाइए और यहाँ पे मिलेगा ड्रॉवर मोड, और यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से ड्रॉवर मोड डीएक्टिवेट हो चुका है। ये कुछ ही लोगों को पसंद नहीं आता, तो आपको पसंद नहीं आता तो आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मुझे ड्रॉवर मोड पसंद आता है तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राउंडर कॉर्नर का ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या है, जैसे कि जो आपका आइकन है थोड़ा सा राउंड करना है तो थोड़ा सा आपका राउंड हो जाएगा, फुल्ली राउंड करना है तो फुल्ली राउंड यहाँ पे आप कर सकते हैं, और स्मॉल लार्ज तो मीडियम तो आप कर ही सकते हैं, जो कि सभी फोनों में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो भी आपको आइकन का स्टाइल आपको रखना है यहाँ पे आप रख। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस के अंदर। यहाँ पे मिलेगा स्मार्ट मिररिंग का फीचर। मान लीजिए आपके पास कोई स्मार्ट टीवी है, अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हो और उसके साथ और सारे वीडियो इमेज और जो भी फंक्शन चलाना चाहते हो अपने टीवी के अंदर आप चला सकते हो। तो ये देखते हैं स्मार्ट मिररिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। तो अब अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो इस फीचर का डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आपको देखने मिलता है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक सिंपल मोड का फीचर। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसको ऑन करने पे क्या होगा, जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूँ, एक्सपीरियंस नाउ पे क्लिक कर देता हूँ
तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फोन इजी टू यूज बन जाएगा, आपको फोन यूज ही नहीं करना, आप फोन चलाने में बिगिनर हो, पहली बार स्मार्टफोन आपने लिया है तो इस मोड का आप यूज कर सकते हो, इसमें ज्यादा आपको फंक्शन नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये सिंपल मोड का फीचर इसीलिए बनाया गया, तो डेफिनेटली इसका यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इस फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ये काफी अमेजिंग फीचर है, बहुत सारे इसमें कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको जो भी वॉइस स्पेसेस पसंद आते हैं जो कि इनके थ्रू बनाए गए हैं, जो आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आता है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखते हैं कि कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आ रहा है, कस्टमाइजेशन भाई साहब भर भर के दी हुई है इसके अंदर। यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट लिखना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे नाम लिख सकते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में वो शो करेगा, और जो मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट किया हुआ है, मारियो वाला सेट किया हुआ है, इसके अंदर खुद का भी आप फोटो लगा के क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने मारियो का सेट किया हुआ है, गैलरी के अंदर जाके जो भी फोटो आपको लगानी है लगा सकते हैं, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको अप्लाई किया हुआ है, तो मारियो वाला तो मैंने लगा लिया। अभी रिंग लाइट को एनेबल करेंगे ना तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और भी दिखने के अंदर अच्छा लगेगा, पहले आपको नॉर्मली दिखाता हूं किस प्रकार से ये लगता है दिखने में, तो बिना रिंग लाइट के आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, अभी रिंग लाइट को एनेबल करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये Vivo T2 Pro मैंने अलग से लिखा है, ये भी आप भी लिख सकते हैं, वहां पे काफी सारे कस्टमाइजेशन है वो आप देख लेना। अब रिंग लाइट को एनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है रिंग रिंग, और यहाँ पे काफी सारी एप्लीकेशन आएगी और ये वाली आपको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर ओपन कर लेना। जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा स्टार्ट का ऑप्शन, स्टार्ट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे और इसको जैसे ही ऑन करोगे तो एक रिंग लाइट यहाँ पे एनेबल हो जाएगी, ये बाय डिफॉल्ट आपका रेड कलर का होता है, इसको मैंने येलो किया हुआ तो यहाँ पे येलो करके, और उसके बाद इसकी पोजीशन भी आपको सेट करनी पड़ेगी खुद ही मैनुअली, कैमरा के अराउंड आपका जो कैमरा रिंग है उसके अराउंड आपको बिल्कुल इसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी, 2-4 मिनट लगेगा उसके बाद ये सेट हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ। कैमरा के अराउंड फिट करने के बाद देखते हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, अभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ दिखाता हूँ दिखने के अंदर कितना अच्छा लगता है, तो देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्लस रिंग लाइट दिखने के अंदर कितना अच्छा लग रहा है ना, कोई भी दोस्त आपका पूछ सकता है किस प्रकार से एनेबल किया, तो मेरी वीडियो शेयर कर देना ताकि उसको ये पता लगे कि किस प्रकार से एनेबल हुआ। तो यही कुछ आपको सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड फीचर देखने को मिल जाते हैं इस फोन के अंदर। आई होप आज की वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।